दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट सरप्लस का माल ऑनलाइन में लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको दिखाया जाएगा ये पॉकेट वाला एकदम टॉप माल, लेकिन आपको आएगा ये अड़ास वाला माल। ये धोखे वाली दुनिया में किसी का भरोसा ना करें, जितना हो सके सामने आके ले, मैं पूरी हेल्प कर दूंगा आपकी। कभी भी माल आप सरप्लस का लेना चाहे तो पैकिंग खत्म होने तक आप वहीं पे रहना, एक एक करके गिन के डालना पैकिंग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सब भाइयों को मेरा दिल से सलाम। तो भाई लोग कैसे हो, मैं दुआ करूंगा आप लोग सब अच्छे रहो। तो बहुत लोग कमेंट में कह रहे थे कि ऑनलाइन में माल मंगाना सही है या नहीं, मेरा चंद लोगों से मंगा के लॉस हो गया, कि मैंने यहाँ से मंगाया था लॉस हो गया, वहां से मंगाया। तो उसी के चलते आज मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लाया हूँ आपके लिए। इसमें आपको मैं क्लियर से बताऊंगा कि तिरुपुर में कैसा माल लेने पर आपका लॉस नहीं होगा, ऑनलाइन करना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में पूरा ऑनलाइन के बारे में हम बात करेंगे। चैनल में जो नए पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, तभी आपको ऐसे एक्सपोर्ट सरप्लस की दुनिया में मैं लाते रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये ऑनलाइन फ्रॉड की कहानी शुरुआत होती है हर एक धोखेदार सेलर की दुकान से। बहुत लोग यार 80% बता ही नहीं सकते, ऑनलाइन में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, 20% ही जो ईमानदार आपको बराबर भेजेगा। मोस्टली यार ऑनलाइन में धोखा ही होता है। मैं कभी मेरे चैनल में ऑनलाइन को प्रमोट नहीं करता, मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि आप सामने आ जाओ, क्योंकि ऐसा होता है। देखो मिसाल भी बताता हूँ, अगर आप एक चीज देखते हैं ऑनलाइन में बता रहा है, देखो ऐसा दिखाएगा आपको कि ये आ जाएगा, आपको क्लियर से आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, सिर्फ पैसे डालो आपको मिल जाएगा ये माल। चंद लोग बोलते हैं, मैं इसीलिए ज्यादातर ऑनलाइन को प्रमोट नहीं करता, कि ऑनलाइन जो करना चाहता उसके वीडियो में बनाने के लिए बहुत कम प्रमोट करता हूँ, ज्यादातर मैं सामने आने के लिए बोलता हूँ, बहुत लोग का नंबर नहीं डालता हूँ। इसीलिए देखो ऐसा दिखा देंगे आपको कि मैं भेजूंगा, लेकिन आपको जो अड़ास माल होता है ना, जैसे कि ऐसा देखो, ऐसा अड़ास माल पड़ा था, हर एक दुकान में होता है ऐसा अड़ास माल, मेरे दुकान में भी है, ये अड़ास माल बोलते हैं। देखो ये सेल ही नहीं हुआ तो इसको क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं, ये 2 डालेंगे, ये 20 डालेंगे, ठीक है। आप ठहरे कहीं दिल्ली से बैठ के डाल दिए होंगे माल, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको जितना हो सके आप एक बार सामने आने पर आपको बेहतर रहेगा। वो हर एक दुकान रहो, जितने भी दुकान हो, किसी का भरोसा हम कर नहीं सकते, यूट्यूबर का भी बोल नहीं सकते आप। जैसे कि मैं बना के आया, सेलर ने बोल दिया कि मुझे ये भेजूंगा, अभी मेरे पीठ पीछे ये भेज दे, आपको धोखा दे दे, तो बता नहीं सकता ना। इसलिए आपको सामने आने के लिए कहता हूँ। सामने आओगे तो आप ये उठाओगे, इसको किनारे कर दोगे, सामने दिखाएगा ये 2 माल, आप क्या उठाओगे, ये उठाओगे, आपका लॉस ही नहीं होगा, इसको किनारे कर दो, लॉस ही नहीं होगा, 2-3 हजार रुपये खर्चा होगा बस, जैसे आने जाने की टिकट है आपकी। अरे जाने दो ना यार, बिजनेस में जब आप उतरोगे तब आके सामने एक बार लोगे ना आके, तभी आपको अच्छा रहेगा, तभी आपको अच्छा सेलर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं जितना हो सके मेरे से हाथ से कोशिश कर रहा हूँ, दुकानदार से मैं पैसा भी नहीं लेता, मैं बोलता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को ठीक वाला माल भेजो, फिर भी यार मुझे थोड़ा सा डर होता है, इसलिए आपको मैं सामने बुलाता हूँ। कभी भी सामने आकर लेने पर 100% आपको टेंशन ही नहीं है, बस आने जाने ट्रेन का खर्चा होगा। अभी आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सोचोगे 10 हजार का माल डालते, आज एक मेरे भाई कॉल किए थे, कल 50 हजार रुपये डेमो के लिए मंगाना चाहते हैं। 50 हजार रुपये कितनी बड़ी आज की बात है, 50 हजार का ये माल आ गया तो क्या करोगे, आपको बिजनेस से इंटरेस्ट ही उड़ जाएगा, ये माल आएगा तो क्या करोगे, कैसा बेच पाओगे, बेचना वो बात दिल टूट जाएगा, पहले तो दिल टूट जाएगा, उसके बाद आप बिजनेस करना ही नहीं चाहोगे, वैसा हो जाएगा दिल। इसलिए आगे बोलता हूँ 50 हजार रुपये मामूली बात नहीं है, 5 हजार चाहे तो मामूली बात बोल सकते हैं, वो भी चंद लोग को 5 हजार बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं बोलने का मकसद ये है कि ऑनलाइन का भरोसा मत करो, मोस्टली 99% ऑनलाइन का भरोसा मत करो, जितना हो सके सामने आओ, ठीक है। सामने आने पर आपको टेंशन नहीं है, अच्छे अच्छे दुकान है, मैं जो जो वीडियो बना रहा हूँ दुकान में सामने जाओ, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं दे दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं है, सामने आने पर आपको लॉस ही नहीं होगा। अभी 30 हजार का माल खरीदना चाहते हैं, सोचते होंगे कि 30 हजार के लिए इतना दूर क्यों जाना, 30 हजार के लिए जाने की बात नहीं, 30 हजार का माल उल्टा सीधा आ जाएगा तो क्या करोगे, सोचो कहाँ पे जाके बोलोगे, समझ रहे हो बात को। एक मेरे भाई थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है, देखो आप कहीं उनका लॉस हुआ है, लेकिन मैंने ये दुकान का वीडियो नहीं बनाया, किसी के पास लेके लॉस हो गए, वो शायद लाभ पता है, बोल रहे थे कि ऐसा पैसा डाल के मैं फंस गया, ऐसा एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोग है यार ऐसा ऑनलाइन में करके फंस जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तिरुपुर आने का 3 हजार रुपये खर्चा होगा आपका, ऐसा वैसा डालो, रूम का टिकट का 3-4 हजार रुपये खर्चा होगा, बेहतर यार 30 हजार रुपये का भी लेना है तो 3-4 हजार रुपये जाने से टेंशन नहीं, उसके बाद से आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार आओगे, सामने जाओगे, देखोगे, बोल दोगे उसको, उसके फोन में आपका नंबर आपको सेव करना है, एक बार माल लेके सेव करने के बाद क्या होगा, उसको भी एक डर आ जाएगा सेलर को, ठीक है, कि मुझे आके ये सेलर, ये बंदा कभी भी आ सकता है मेरे दुकान में, तो आपको ऐसा माल नहीं भेजेगा वो,
ठीक है, बता देगा भाई ऐसा माल है चाहिए तो ये ले लो, नहीं तो ये ले लो, ऐसा बता देगा। तभी आपका एक कनेक्ट वीडियो होगा दो जन में, उसके बाद से उसको भी दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये आके ले सकता है हमारे पास, इसको अच्छा माल भेजो, तो आपको ऐसा माल ही भेजेगा उसके बाद से। लेकिन एक बार सामने आना बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रख लो। बहुत लोग सोचते होंगे जब ऑनलाइन कर रहा है तो वीडियो क्यों बना रहा है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तिरुपुर में ये चीज़ मिलता है भाई, आप सामने आके ले लो, ठीक है। 30,000 का लो, 50 का लो, 20,000 का लो, सामने आके ले लो। ऑनलाइन को प्रमोट करना मेरा यही नहीं है, ऑनलाइन किस लिए करते हैं, ऑनलाइन को जैसे कि आपने एक बार आके लेके चला गया, इसमें सामने देख लिया, व्हाट्सअप कर दिया, पूरा हो गया, नेक्स्ट बार से मैं जब वीडियो डालूंगा तुम उसको डायरेक्टली भाई मुझे ये चाहिए, जब ऑनलाइन कर सकते हो आप, टेंशन नहीं है आपको, समझ रहे हो बात को मेरी बात। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ज्यादातर के सामने आने के लिए, सामने आने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉस नहीं है। एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एक बार उतरना अच्छा है, अगर पानी में उतरना तैरना जानना जरूरी है, ठीक है, तेरे बिना उतरना नहीं चाहिए। ऐसा ही आके ऑनलाइन करने से पहले एक बार विजिट करने से बहुत बेहतर रहेगा। मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ अच्छे सेलर की डालने के लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं भाई लोग मैं आ नहीं सकता, बहुत दूर से हूँ, लेकिन क्या करें यार, 30,000 का लॉस होने से अच्छा है कि 3,000 का हो जाए, टेंशन नहीं है। सामने आके लेने पर आपको भी दिमाग में बैठ जाएगा कि आप क्या चीज़ बेचोगे, क्या चीज़ मिलता है इधर, कैसा है, पूरा जानकारी ले लेंगे। इसके बाद से आने वाले कल में आपको सेल करने में बहुत ही आसान होगा। और बहुत लोग आके क्या बोल रहे थे, कॉलिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज पता नहीं है, वो ऐसा वैसा हो रहा है प्रॉब्लम, वो भी क्लियर हो जाएगा, थोड़े दिन वेट करो। व्हाट्सएप में मैसेज करो, मोस्टली उनको व्हाट्सएप में करके आप डीलिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादातर सामने आइए, उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको सामने आएंगे तो पूरा A to Z मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ अभी 25 को जा रहा हूँ, क्रिसमस को वहाँ पे ही रहूँगा। जो भी मेरा भाई आने चाहता है ज़रूर आ जाइए, कोई बात नहीं, आपको पूरा गाइड कर दूंगा वहाँ पे, टेंशन नहीं है। एक और बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप माल लेने गए अभी तिरुपुर में, कहीं से भी कौन सी दुकान, तिरुपुर ही नहीं कहीं पे भी जाओ, आप पार्सल बने तक आप वहीं पे रुको, ठीक है, वहीं पे रुको, नोट करो जो जो क्या क्या पार्सल बन रहा है, क्या क्या चल रहा है पूरा। क्योंकि चंद प्रॉब्लम आया था, मुझे एक भाई ने बोला था, मेरे पास एक जन से लेके बोले थे कि माल थोड़ा कम आ गया, मैं उनसे कॉल किया था, वो मैं वीडियो भी नहीं बनाया उनका, लेकिन उनका हेल्प कर रहा मैंने कॉल किया उसको, उनको पूछा तो वो बोले बराबर भेजा हूँ मैं, तो इसलिए आके बोलना मकसद यह है कि उनको बोला मैंने CCTV कैमरा का उनका फोटेज भेज दो जो पैकिंग कर रहे थे आप, अगर वो सब्सक्राइबर देख रहे हो तो सुन लो भाई, मैंने उनको वो दुकानदार को कॉल कर चुका हूँ मैं, वो भी तिरुपुर में, थोड़ा लॉन्ग है वो, मैं अब तक उनका वीडियो नहीं बना, लेकिन बनाना चाहता हूँ, उनके पास दाम कम है, प्रोटेक्शन का वही डोमेस्टिक का माल रखते हैं। उनको मैंने कॉल करके बोल दिया है कि आपको वो CCTV कैमरा का फुटेज भेजे, वो भेजने का कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि 1,00,000 का माल लेते उसमें कुछ 2-3 आइटम कम हो गया था बोल रहे थे। अब वो दुकानदार क्या बोल रहे थे, मेरा बराबर मैंने राइट मार के भेजा, बराबर डाला बोल रहे हैं। अभी ये जो सब्सक्राइबर है जो बाहर से बात करते हैं, उन्होंने क्या किया कि मैंने दे दिया था, मैं चल बसा, जाके आया, उन्होंने पैक कर दिया। ऐसा मत करो कभी भी, आप बैठो उधर, तभी आपको गलत फहमी नहीं होगी। हो सकता है वो डाल दिए भी होंगे, हो सकता है नहीं भी डाले होंगे, लड़के लोग ने कुछ कर दिए होंगे। ऐसा होता है कि देखो ये लड़के लोग काम करने वाले ना बहुत यार बहुत हेरा फेरी करते हैं, बहुत लोग करते हैं थोड़ा, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना। आपको देखो ओनर तो कभी भी नहीं रहेगा पीछे आप लोग के वो बराबर भेजे बराबर बोल देगा, सिर्फ चल जाएगा वो। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पे रुको, जैसे आप ये माल ले लिए पूरा इतना का, तो आप प्लीज़ वहाँ पे ठहरो, चाय पीने खाना खाने मत जाओ, पहले माल पूरा बंडल बन जाने के बाद आपका वो हिसाब से रख लो दिमाग में कि कैसा पैकिंग हुआ है, कैसा मैंने देखा था, एक बार फोटो पकड़ लेना पैकिंग के साथ, ठीक है। आपका कभी भी आके कहीं भी कुछ भी हो सकता है लॉस, ठीक है, कोई भी फेरा हेरा फेरी कर सकता है, मेरा भी हो चुका है ऐसा, चेन्नई से आता हुआ माल ऐसा ही मेरा हेरा फेरी हो गया था, बॉक्स ही चला गया यार, कितना कंप्लेंट करा, पुलिस भी कंप्लेंट किया, फायदा ही नहीं चला, क्यों, अपन रहने का उधर। जैसे अभी ये पैकिंग कर रहे हैं, ये कितना पीस है, 1, 2, 3 पीस है ना, 4 पीस, अभी अपने क्या करना, नोट रख लेने का, आपने 4 पीस लिया, वो पैक कर रहा है, 4 पीस बराबर गया या नहीं आपको देखना, आपकी जिम्मेदारी हो, तभी यार उनको बोल नहीं सकते हम, ओनर क्या बोलेंगे, हमने तो गिन के डाला बराबर, आप वहाँ बैठोगे तो टेंशन ही नहीं है ना यार। उसके बाद आप खाना खाने का हो, चाय खाना हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन माल डालने के बाद अगर सामने आ रहे हो माल बना दिया 1,00,000 का माल, तो आपको ज़रूर वहीं पे बैठना है, पैकिंग होने तक वहीं पे बैठो, बैठ के एक एक करके पूरा छाटो, दिमाग में रख लो कि ये मॉडल का ये नाम है, दिमाग में रख लो। जिसको पढ़ाई नहीं आती है, जिनको पढ़ाई नहीं आती, वो नंबर के हिसाब से डाल दो, जैसे कि एक बंडल एक बना, उसमें एक डाला, इधर एक डाल दो, दो डाला, दो डाल दो, तभी आपको जिसको लिखने नहीं आता पढ़ने नहीं आता वो आके नंबर के हिसाब से कर लो यार। जैसे अभी आइटम है, कितने आइटम गिनती रख लो,
जैसे कि 200 आइटम लिया तुमने तो 200 का एक पर्ची रख लो, 200-200 है क्या बराबर गिन लो, उसके बाद टेंशन ही नहीं है। उसके बाद आप उठाने जाते ना उधर वीआरएल से आपके गांव में जाके, टेंशन ही नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए ऐसा करो, प्रोसेस ऑनलाइन करना है तो सोच समझ के करो, ज्यादातर सामने आ जाओ, टेंशन नहीं है। और एक बात यार, जरूरी बात बोलना ही भूलगा, ऑनलाइन करना ही चाहते हैं तो उसका पहले कमेंट देखो दुकानदार का, कि दुकानदार के पास किसी ने माल लिया या नहीं। कमेंट्स में कमेंट जिसका हाफ होगा जरूर वो फ्रॉड होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन में होना चाहिए उसका, दुकानदार का। उसके बाद वो दूसरा देखना यूट्यूबर का, यूट्यूबर का भी कमेंट सेक्शन जाके चेक करो आप, क्या ये फर्जी वीडियो तो नहीं, जैसे कि पैसा लेके बना दे रहा है। बहुत होता है, बहुत लोग नहीं, एक दो एक का रहते रहते कर देते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। मुझे भी बहुत सारे ऑफर आए यार, लेकिन अपने को वो हराम काम करना ही नहीं है, अपने को ईमानदारी से काम करना है। आप लोग का पैसा, आप लोग को मैं गिरवी रख के वो पैसा यार अपने को आपके जूतियों में रखता हूँ वैसा पैसा, मैं हराम पैसा नहीं चाहिए अपने को, अपने को हलाल चाहिए। तो बोलने का मकसद ये है कि आप उसका कमेंट देखिए, यूट्यूबर का बैकग्राउंड देखिए, जो उसने पीछे पीछे वीडियो बनाया है ना उसमें कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। अगर कमेंट्स अच्छे हैं तो ज़रूर वो आके अच्छा वीडियो बना रहा है। और जो दुकानदार है उसका भी कमेंट चेक करना, कमेंट चेक करने के बाद आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके कम लगाने की कोशिश करो, जितना हो सके सामने आने की कोशिश करो। आपका भाई इधर तमिलनाडु में है, आपको कोई चिंता नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको A to Z अभी और थोड़े दिन लगे, एक साल हो जाएगा तो आपको और दिक्कत ही नहीं होगी। अपना भाई आपका भाई तिरुपुर में ही सेटल होने वाला है, कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, ज़रूर मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँगा, तो आपको ऑनलाइन का भी टेंशन नहीं। मैं जाके खड़ के खाली इशारा कर दूंगा, आपको ऑनलाइन हो जाएगा, सही सलामत पहुँच जाएगा। और बहुत कितना हो सके मैंने बात किया है, GM ट्रेडर्स से भी बात कर चुका हूँ, मैंने बोला कि भाई डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक बताना मेरे सब्सक्राइबर को, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट बताना। मैं किसी से पैसे लेके नहीं करता हूँ, मैं जेन्युइनली बात करता हूँ। आपका भी एक क्या बोलते हैं, आपका भी फर्ज है कि ऑनलाइन का भरोसा मत करो, जितना हो सके सामने करो, ठीक है। बोलने का मकसद है, चैनल का मकसद भी मेरा यही है कि ऑनलाइन का मकसद नहीं है, 1% ऑनलाइन है, वो भी जो पहले ले चुके उनके लिए है, जो पहले ले चुके उनके लिए ऑनलाइन है, बाकी सबके लिए ऑनलाइन नहीं है। सामने आकर लेना बहुत बहुत बेहतर रहेगा, जितना भी हो सामने आके ले लो। अभी एक हैदराबाद के सब्सक्राइबर 15 दिन के बाद एक बार आके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बुलाया था उनको, बोला था पूरा दिखा दिया क्लीन से, अभी उनको समझ में आ गया यार सामने आने पर ही अपन व्यापार कर सकते हैं। जैसे सामने आए, देखिए आप ये चीज़ मिल गया बहुत अच्छा है, कम दाम में उठा लिया, जाके यार वो टिकट का खर्चा सो इसमें निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है। इसलिए सामने आने के लिए कहता हूँ मैं, जितना हो सके सामने आइए, मेरे से जितना हो सके मैं हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरी तरह से कुछ गलती हो गई या मैंने ज़्यादा काट दिया, लंबा चौड़ा बोल दिया, तो ज़रूर माफ़ कर देना। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग का, जो इतना मैं प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहूँगा। और आपको तमिलनाडु में बहुत लोग कर रहे हैं, लुंगी का पेंडिंग में डाला हूँ मैं, नाइटी का बोले बहुत भाई बोल रहे, दुर्गा शाहू भाई और भी यार 2-3 लोग है, बहुत बैकग्राउंड बैक टू बैक डाल रहे हैं लुंगी का। ज़रूर आपके लिए मैं लुंगी का बनाऊंगा, ईरोड का, गमछा का भी, रुमाल का बोले वो भी ज़रूर बनाऊंगा, बनियान का भी बनाऊंगा और नाइटी का भी बनाऊंगा। जो जो कमेंट पर रहे मैं पूरा कमेंट देखता हूँ, ज़रूर तुम्हारे लिए नेक्स्ट बार जा रहा हूँ मैं 25 तारीख को, कोई भी आना चाहता है मेरा भाई ज़रूर आ जाइए 25 तारीख को, एक दिन रहूँगा मैं उधर, क्रिसमस है, लेकिन दुकान वहाँ पर पूछ लिया मैंने, GM ट्रेडर्स भी है, उनका पार्ट 2 वीडियो बनाना है GM ट्रेडर्स में यार। ऊपर जो है लेडीज़ का है, जेंट्स का है, पूरा कवर करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, वो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जय हिंद।